नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू roomtahospital.com। आज जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मलेरिया। मलेरिया मानसून की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। वृद्ध हो या जवान, ये बुखार हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया बुखार ने जबरदस्त पैर पसारे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है मलेरिया। यह बात हम सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग है। यह बुखार मच्छरों की फीमेल प्रजाति एनोफिलिस द्वारा काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे मेडिकल भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां मनुष्य को संक्रमित कर सकती है और बीमारी का कारण बन सकती है। मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर गंदे और दूषित पानी में पनपते हैं जो उड़कर हम तक पहुंचते हैं। डेंगू के मच्छर के काटने का समय जहां सूर्यास्त से पहले होता है, वहीं मलेरिया फैलाने वाले मच्छर सूर्यास्त के बाद काटते हैं। मलेरिया के लक्षण: सिर में तेज़ दर्द होना, उल्टी होना या जी मचलना, हाथ पैरों खासकर जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी होना, आँखों की पुतलियों का रंग पीला होना, पसीना निकलने पर बुखार कम होना, तेज बुखार सहित फ्लू जैसे कई लक्षण सामने आना, ठंड के साथ जोर की कपकपी लगना और कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाना। मलेरिया के लिए ज़रूरी टेस्ट: मलेरिया की जांच के लिए कई मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट भी उपलब्ध है। इन परीक्षणों में रक्त की एक बूंद लेकर 15-20 मिनट में ही परिणाम सामने आ जाते हैं। जहां लैब का प्रबंध नहीं होता वहां मलेरिया परीक्षण के लिए एंटीजन टेस्ट कारगर साबित होते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से मलेरिया का स्वरूप क्या है इसका भी आसानी से पता लगा जा सकता है। मलेरिया का इलाज: अगर समय रहते काबू पा लिया जाता है तो मलेरिया का इलाज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मलेरिया के इलाज में एंटी मटेरियल ड्रग्स और लक्षणों को नियंत्रण में लाने के लिए दवाएं, जरूरी टेस्ट, घरेलू नुस्खे और तरल पदार्थ व इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए हर मरीज के लिए एक दवा नहीं दी जाती है, बल्कि डॉक्टर इन्फेक्शन के स्तर और क्लोरोक्वीन प्रतिरोध की संभावना को देखते हुए दवा बताते हैं। मलेरिया में दी जाने वाली दवाओं में किनिन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन शामिल होते हैं। फॉल्सीफेरम मलेरिया से ग्रस्त लोगों के लक्षण सबसे गंभीर होते हैं। इससे ग्रस्त लोगों को इलाज के शुरुआती दिनों में आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है। इस रोग में श्वास की विफलता, कोमा और किडनी की विफलता भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के लिए उपयुक्त इलाज माना जाता है। हम स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि वीडियो में प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करती है। धन्यवाद।